सो दोस्तों, अगर आप देख रहे हो एक 125cc की बाइक जो कि बजट फ्रेंडली हो, साथ में आपको अच्छा खासा लुक मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, माइलेज मिल जाए और आप उस बाइक को रफ एंड टफ यूज कर सको, सो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और इस बाइक के काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है, वो सब हम वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में निगेटिव पॉइंट है वो भी हम बात करेंगे। और आप इसे 2022 मॉडल बोल सकते हो बजाज की पल्सर 125 का। इसमें कुछ अपडेट हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको अपडेट ही बताने वाला हूँ। सो पहला अपडेट आपको मिल जाता है इस बाइक के डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स में। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये पल्सर लिखा हुआ पहले से चेंज कर दिया गया है। पहले आपको स्टीकर वर्क के साथ में आता था, अभी आपको 3D में मिल जाएगा सिल्वर कलर के साथ में, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बाकी का सेम वही रखा गया है। अभी हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, और भी चेंजेस हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दो वेरियंट मिलने वाला है। पहला आपको मिल जाएगा डिस्क के साथ में सिंगल सीट, उसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क के साथ में सिंगल सीट की प्राइस आपको पड़ने वाली एक्स रूम 83,546 रुपये, और आपको ऑन रोड पड़ जाएगी उसकी प्राइस 1,03,741 रुपये। और दूसरा वेरियंट आपको पड़ जाएगा डिस्क के साथ में, ये डिस्क वाली बाइक है और स्प्लिट सीट वाला, स्प्लिट सीट भी है इसमें, इसकी आपको एक्स रूम प्राइस पड़ने वाली 86,400 रुपये, और आपको ऑन रोड ये बाइक पड़ जाएगी 1,06,979 रुपये। ये जो मैं आपको प्राइस बताऊँ दोनों बाइकों की, ये मैं आपको विद एसेसरीज बताऊँ, जिसमें आपको हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर सब कुछ आपको साथ में मिलने वाली है। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड अपडेट की, उसके लिए आपको बाइक ऑन करना पड़ेगा। सो मैं ऑन कर देता हूँ और ये इंजन भी ऑन करना पड़ेगा, और आ जाते हैं इस बाइक के अभी हम लेफ्ट साइड में। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं साइड स्टेन लगा रहा हूँ, ये मैंने साइड स्टेन लगाया राइट नाउ, क्लच प्रेस कर दिया मैंने और अभी तक बाइक ऑन है, और अभी मैं गियर लगाने जा रहा हूँ, ये मैंने गियर लगाया और बाइक ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है। अभी आपको इसमें मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, जो कि पहले नहीं था, रिसेंटली आया, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया। सो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत ही यूजफुल अपडेट हुआ है। सो सेकेंड अपडेट आपको अभी ये मिल जाता है, और अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं ऑफ, और आगे चल के डिटेल से जान लेते हैं इस बाइक के बारे में, जो भी अपडेट हुए हैं वो हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। सो इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन मिल जाएगा, इंडिकेटर आपको बल्ब मिलने वाला है, ये ऊबड़ खबर रास्तों पर टूटेंगे नहीं, काफ़ी फ्लेक्सीबल है, और यहाँ पे आपको विंडशील मिल जाएगी जैसे आपको हमेशा से पल्सर सीरीज में मिलती है। और ये रहे इसके मिरर, जो कि कुछ ऐसे दिखेंगे, मैं इधर से दिखा देता हूँ। और अभी मैं जाते हैं फ्रंट में, मडगार्ड की बात करें तो आपको ब्लैक एंड ग्लोसी फिनिश में मिल जाएगा, और इसकी हेडलाइट अभी हम ऑन करके सबसे पहले देख लेते हैं। सो की मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कुछ ऐसे की मिल जाएगी, और बाइक ऑन कर लेते हैं, किल स्विच ऑन ही है एंड सेल्फ, और सामने चल के देख लेते हैं। सो ये रहे इसकी हेडलाइट हैलोजन है, और यहाँ पे आपको पायलट लैम्प मिल जाएंगे, ये रात के समय जब ऑन होते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। हाई बीम दिखा देता हूँ ऑन करके, हाई बीम पे आपको अच्छा थ्रो मिलने वाला है। इंडिकेटर दिखा देता हूँ, सो ये रहा इसका इंडिकेटर, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। और अभी हम चलते हैं टेल वाले एरिया में, सो ये रहे इसकी टेल लाइट, टेल लाइट की बात करें तो आपको LED मिल जाती है, इंडिकेटर आपको बल्ब मिलने वाले हैं। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, और अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं से भी, और आ जाते हैं अभी हम फ्रंट में। इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक, जो कि आप देख रहे हो, और रियर का मैं आपको दिखा देता हूं। रियर में आपको मिल जाएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है। और फ्रंट में चलते हैं, यहाँ वाले एरिया में देखें तो आपको ये सिंपल सा ब्लैक मैट फिनिश में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मड फ्लैग की डिज़ाइन मिल जाएगी। और इसके टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा 80x100 का, और ब्रांड की बात करें तो आपको MRF का टायर मिलने वाला है। रियर का टायर अभी हम देख लेते हैं, सो ये रहा रियर का टायर। रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर मिल जाएगा फ्रंट के कंपैरिजन में, टायर साइज में आपको दिखा देता हूं, आपको 100x90 का टायर मिल जाएगा रियर में। और व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिलने वाली है, जिसकी साइज रहने वाली है फ्रंट एंड रियर में 17 इंच। और व्हील के ऊपर आपको सिल्वर कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा, जो कि इसके ग्राफिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैच कर, आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर टैंक पे सिल्वर है और यहाँ पे भी सिल्वर है। और इसके ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा, जो कि वेंटिलेटेड डिस्क रहने वाला, डिस्क साइज आपको फ्रंट में मिलने वाली है 240mm की। और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा जो कि 130mm करेगा, और ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है CBS। यहाँ पे मुझे ये कमी लगती है, अगर ABS होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसकी प्राइस भी बढ़ जाती, ये भी मैटर करता है। सो आपको अभी इसमें मिलता है CBS, जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर ब्रेक लगाओगे तो आपका अगला ब्रेक भी लगेगा 40, 50 या 60%, जैसे स्पीड होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा ब्रेक कैलिपर। और ये रहा इस बाइक का इंजन काउल, जो कि बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आता है, सिल्वर कलर एंड ब्लैक कलर, ये मैट फिनिश में मिल जाएगा। और ये रहा ऐसा कुछ डिजाइन यहाँ पे मिलने वाला, ये रहा कैटलेटिक कन्वर्टर, जिसे
जिसे हम BS6 की पहचान मानते हैं, और आपको इसमें सिंगल हॉर्न मिलने वाला जो कि इधर रहा, और इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। ये रहा इसका लेग गार्ड जो कि काफ़ी स्पोर्टी टच के साथ में आता है, ऐसा फोल्ड है, आपको प्रोटेक्ट करेगा अगर आप गिरते हो तो आपकी बाइक को भी आपको भी। ये रहा इसका इंजन, आपको फुल ब्लैक कलर में मिल जाएगा, किक आपको मिल जाती है इसमें। ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, ब्रेक पैड, और ये रहा इसका एग्जॉस्ट। इसके बारे में आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 124.4 सीसी का, जिसकी पावर आपको मिलने वाले 11.8 पीएस एट 8500 आरपीएम, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 10.8 न्यूटन मीटर एट 6500 आरपीएम। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, टू वॉल्व, एयर कूल, EFI, आपको इसमें कार्बोरेटर इंजन मिलता है, ना कि FI इंजन। साथ में आपको मिल जाएगा 5 स्पीड गियरबॉक्स। और इसके डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको नेट जैसी डिजाइन मिल जाएगी जो कि थोड़ा स्पोर्टी फील दे रही है, बाकी सिंपल से ब्लैक कलर है, ग्लोसी फिनिश। सीट काउल की बात करें तो यहाँ पे आपको 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ऐसा कुछ आपको ग्राफिक देखने को मिल जाएगा, जैसा पहले था वैसे ही है। और टैंक पे यहाँ पे चेंज कर दिया गया, अभी आपको पल्सर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा 3D में, जो कि पहले स्टिकर वर्क के साथ में आता था, और ये सिल्वर कलर का स्टिकर। और टैंक कॉल पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो कि देखने में काफ़ी कड़क दिख रहा है। टैंक आपको मिलने वाला मेटल वर्क के साथ में, ये फाइबर वर्क है। सो भी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं, उसके पहले मैं आपको एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ। ये रहा इसका साइलेंसर जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। यहाँ पे आपको कवर मिल जाएगी ताकि पिलियन राइडर पैर रखे तो प्रोटेक्ट रहे उनको, और इसका साउंड भी मैं आपको स्टार्ट या एंड में सुनाने वाला हूँ। सो भी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं, ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रहा इस बाइक का फुल व्यू राइट साइड से, और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के टेल सेक्शन की, टेल एरिया में चल के। सो हम चलते हैं इस बाइक के टेल एरिया की बात कर लेते हैं। सो ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। टेल लाइट की बात करें तो आपको LED मिल जाता है, इंडिकेटर बल्ब, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट। ये रहा रियर का मड गार्ड। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, और अभी हम चलते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको सेम ही स्टिकर वर्क एंड ग्राफिक देखने को मिल जाएगा जैसे हमने उधर देखा था। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस, और आपको चैन कवर मिल जाती है जो कि आपके चैन को प्रोटेक्ट करेगी, बार बार आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको एक टायर हगर जैसा मिल जाएगा जो कि आपके पिलियन राइडर को प्रोटेक्ट करने वाला है मिट्टी से। और ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस, ये रहा गियर पैड, राइडर फुटरेस। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला, पहला आपका नीचे लगेगा, बाकी के 4 ऊपर लगने वाले हैं। और साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, अभी आपको इसमें मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो कि पहले ही था। और यहाँ पे आपको सेम डिजाइन देखने को मिल जाएगी जैसे हमने उधर देखा था। और ये रहा इसका टैंक, सेम ही ग्राफिक्स मिलने वाला है, पल्सर लिखा मिल जाएगा 3D में। ये रहा इसका लेग गार्ड, हॉर्न, और ये रहा इसका इंजन का ऑल, इंजन ऐसे कुछ दिखने वाला है इधर से। और यहाँ पे आपको पेट्रोल टी मिल जाती है इस बाइक में, अगर 3-4 लीटर आप नहीं रखते हो फ्यूल तो भी इस बाइक को आप रिजर्व में करके चला पाओगे। और जो बाकी अदर बाइक है जिसमें FI सिस्टम आ गया है उसमें आपको पेट्रोल टी नहीं मिलती हो तो आप लोगों को पता ही है। और इसका माइनस पॉइंट है, अगर इसमें FI होता तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाती, और दूसरा नंबर इसमें आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा देखने को मिलती ये कार्बोरेटर इंजन के कंपेरिजन में। और भी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं, ये बाइक इधर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। तो लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट, फ्यूल टैंक एंड कंफर्ट के बारे में। सो ये रही इस बाइक की सीट, आपको इस बाइक में स्पेस सीट मिल जाती है, साथ में सिंगल सीट का भी ऑप्शन आता है, उस हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा होती है। और इसमें आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिलने वाली है सीट में, और आपको ऐसा स्पोर्टी ग्रैब रेल मिल जाता है इस प्लेट। सो इसमें आपको कम्फर्ट अच्छा मिलने वाला राइडर एंड पिलियन राइडर को, राइडर को ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट मिलेगा पिलियन राइडर के कंपेरिजन में। और भी बात कर लेते हैं इसके टैंक की, टैंक आपको मेटल वर्क के साथ मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको टैंक पैड मिलने वाला है। यहाँ पे चेंजेस यही हुए हैं कि अभी आपको पल्सर लिखा मिल जाता है 3D में, जो कि पहले स्टिकर वर्क के साथ में आता, काफ़ी लोगों की शिकायत थी वो भी दूर कर दी गई है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलने वाला 11.5 लीटर का, और इसकी माइलेज मेरे हिसाब से आपको 40-45 के आसपास मिलने वाले, बाकी डिपेंड करता आप चलाते कैसे हों। और ये रहा इसका फ्यूल कैग, अभी मीटर कंसोल ऑन करके देख लेते हैं। सो ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पर आपका RPM शो करेगा, RPM लिमिट इंडिकेट करने वाला है, और बैटरी का बताएगा, ये आपका स्पीड, ये आपका फ्यूल का बताएगा, ये आपका स्पीड बताएगा, ओडोमीटर यहाँ पे मिल जाएगा। सो ट्रिप का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, ये आपका इंडिकेटर, न्यूट्रल, अपर डीपर, इंजन माल फंक्शन लाइट। और साइड में आप देखो तो आपको कार्बन फाइबर फिनिश का टच देखने को मिलेगा जो कि अच्छा लग रहा है। और अभी हम इसके रेसिंग हैंडल बार की बात कर लेते हैं, और सेट रीसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे स्विच मिल जाएगी आपको। और ये रहा हैंडल बार, यहाँ पे आपको थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच, ये आपका सेल्फ का मिल जाएगा। और साथ में आपको मिल जाता है स्प्लिट रेसिंग हैंडल जो कि इस बाइक के कंफर्ट को बढ़ा देते हैं, साथ में लुक भी इन्हेंस हो जाता है। और इधर के स्विचेस की बात करें, यहाँ आपका मिल जाएगा अपर डीपर, और साइड में आपका यहाँ पे नीचे हो जाएगा इंडिकेटर, या आपका हॉर्न काफ़ी लाउड हॉर्न है। और यहाँ पे आपका मिल जाता है ब्रेक लीवर। और अभी हम इस बाइक के डायमेंशन की बात कर लेते हैं, लेंथ आपको मिल जाएगी 2042 mm, विड्थ आपको मिलने वाली है इसकी 765 mm, और इसकी हाइट आपको मिल जाएगी 1060 mm, सैडल हाइट है 790 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 165 mm, व्हील बेस है 1320 mm, और इस बाइक का वेट आपको मिलने वाला है 142 kg। कलर ऑप्शन की बात करें तो नियोन कलर में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते
हैं। पहला है आपको ये मिल जाएगा कुछ ब्लैक एंड सिल्वर, दूसरा आपको ब्लैक एंड रेड मिल जाएगा, तीसरा आपको मिलने वाला है ब्लैक एंड ग्रीन कलर। और भी 125 में कलर आते हैं लेकिन उसमें शायद दो ही कलर है, सिंपल से हैं, लेकिन ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है नियोन का। नियोन को मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शायद उसमें कुछ चेंज होंगे तो मैं उसका एक और वीडियो ला दूंगा। और आप लोगों ने अपडेट जाना इसमें क्या हुआ, पहला अपडेट आपको देखने को मिल जाता है इस बाइक के ग्राफिक्स में, आपको पल्सर लिखा मिल जाएगा 3D में। दूसरा आपको मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। और तीसरे अपडेट की बात करें, तीसरा कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ ये दो अपडेट अभी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप देख रहे हो एक ऐसी बाइक 125cc की जिसमें आपको लुक मैटर करता है ज़्यादा, अच्छा आपको अच्छा खासा लुक चाहिए, साथ में आपको कम्फर्ट भी चाहिए एंड माइलेज भी चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो, सो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। आप इसे थोड़ा बहुत रफ एंड टफ यूज कर सकते हो। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोग कैसी लगी, और ये अपडेट, और ये बाइक कौन कौन लेना चाहता है, और किसकी किसकी फेवरेट बाइक है, और इस बाइक का फीडबैक आप लोग ये भी कमेंट करके बताना। सो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।